बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। हत्याकांड में सीबीआई की जांच की मांग, विधायक। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को दुश्मन के रूप में देखती है। जुन्नारदेव, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे विधायक सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता। सिवनी में हुई आदिवासी की हत्याकांड के मामले में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं एवं फास्ट ट्रैक पर निर्णय के लिए विधायक सुनील उइके ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को दुश्मन के रूप में देखती है। बोल इंडिया न्यूज़ जुन्नारदेव से एम मुजम्मिल की रिपोर्ट। हमने उस मांग को भी इस हमें आंदोलन में शामिल किया है और सरकार ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन हम एसआईटी गठन को नहीं मानते। हम सीबीआई से नीचे कोई जांच नहीं की, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका निर्णय होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये आदिवासी और एससी वर्ग के साथ बड़ा छलावा करती है। मैं सिवनी की बात करूँ, चाहे कल मंडला की घटना की बात करूँ, हमारे ज़िले में भी ऐसी घटना हुई है और जिसमें उन दोषी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले गुलसी कांड हुआ और गुलसी कांड में दो आदिवासियों की मृत्यु हुई थी, उन्हें गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई और आज दिनांक तक उसमें फॉरेस्ट गार्ड तक सस्पेंड नहीं हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को बिल्कुल दुश्मन के रूप में देखती है, क्योंकि आदिवासी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करते। अभी भी आपने देखा होगा, जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, पूरे महाकौशल और पूरे प्रदेश के अंदर आदिवासियों की सीट कांग्रेस जब ज़्यादा जीतती तो सरकार कांग्रेस की बनी। तो आदिवासी वर्ग को उन्होंने तरह तरह के नाम देने का काम किया, चाहे वनवासी कहते हैं, कभी वनवासी कहेंगे, कभी कहेंगे कि ये गांव में रहने वाले लोग हैं, और उनको सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करने का काम करते हैं। उनको न्याय नहीं दिला सकते, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाते। इस बात का मैं तो आरोप है, कल प्रभारी मंत्री भी आए थे, मैं उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ। सिवनी की एसआईटी जांच आप कर रहे हैं, एसआईटी के साथ आपको सीबीआई जांच करनी चाहिए। और हमारे छिंदवाड़ा का भी जो गुलसी कांड हुआ था, उन आदिवासियों को भी न्याय मिलना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट के लोगों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी और एक फॉरेस्ट गार्ड सस्पेंड तक नहीं हुआ, दो लोगों की मृत्यु हो जाती है और ये कहते हैं कि हम उसकी जांच कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है और आदिवासी इस सब चीज़ों को समझ रहा है और आने वाले 15 महीने बाद इस सरकार को जवाब